नवरात्रों में नवमी और अष्टमी के दिन का खास महत्व है, क्योंकि इस दिन कुंवारी कन्याओं को पूजने की परंपरा है, जिसे कंजक भी कहा जाता है। इससे आदि शक्ति प्रसन्न होती हैं। कंजक के दिन नौ कुंवारी कन्याओं को नौ देवियों का स्वरूप मानकर पूजा की जाती है। इसी से भक्त का नवरात्र पूरा होता है। कन्याओं को भोग लगाकर दक्षिणा जरूर देनी चाहिए। परंपरा के मुताबिक अष्टमी नवमी को कन्या पूजन के बाद ही प्रसाद ग्रहण करके व्रत पूरा माना जाता है। मान्यता के मुताबिक ऐसा करने से माँ दुर्गा की असीम कृपा होती है। वैसे भी धर्म ग्रंथों में लिखा है कि जिस घर में नारी का सम्मान है, वहाँ ईश्वर खुद विराजमान है। क्यों करते हैं कन्या पूजन? नवरात्र के पहले दिन से गणेश जी की पूजा के साथ माता शैलपुत्री की पूजा शुरू होती है, जो अंत में नवमी के दिन सिद्धिदात्री की पूजा के साथ खत्म होती है। अष्टमी और नवमी के दिन इन कन्याओं को नौ देवी का स्वरूप मानकर स्वागत किया जाता है और आशीर्वाद स्वरूप कन्याएं कमर पर थपकी लगाकर बैठती हैं। इससे आदि शक्ति प्रसन्न होती हैं। नवरात्र में कन्या पूजन बड़ा आवश्यक है। इसी से भक्त का नवरात्र पूरा होता है। कन्याओं को भोग लगाकर दक्षिणा जरूर देनी चाहिए। परंपरा के मुताबिक अष्टमी नवमी को कन्या पूजन के बाद प्रसाद ग्रहण करके व्रत पूरा माना जाता है। कन्या पूजन से एक दिन पहले ही कन्याओं को आमंत्रित करें। कन्या पूजन के दिन कन्याओं को तलाशने की गलती ना करें। सामग्री है उसी से माता को भोग लगाने के बाद कन्याओं को प्रसाद दें। अब के बाद पैर छूकर उनसे आशीष लें।